हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 मई। 7 मई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक टू बैक आप पे बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे SSC का, MTS, दिल्ली पुलिस, चाहे स्टेट का कोई भी पेपर हो, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जून, 6 जून, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 6 जून को, जो कि रूस में रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, तो 6 जून को रूसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इलिर मेटा, रेक्सेप मेदानी, बजराज बेगज, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बजराम बेगज को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बजराज बेगज। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अक्षय कुमार, विक्की कौशल, रणवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विक्की कौशल को आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में मणि मेखलाई किस बैंक के नई MD बनी है? तो केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि ए मणि मेखलाई को MD बनाए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, जो कि वहां के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका भी ऑप्शन तमिलनाडु सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो वंदिता शर्मा, स्वाति ढींगरा, काजोल सरगर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में काजोल सरगर, जो कि इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता रही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काजोल सरगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के विजिटर पद से हटाने की विधेयक को मंजूरी दी है? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जो कि राज्यपाल वहां के विश्वविद्यालय के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल ने। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, जो कि एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है, यह टाइगर रिजर्व, जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैप्सर रूड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेता रहे हैं राफेल नडाल, जो कि इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राफेल नडाल, जिन्होंने यहाँ फ्रेंच ओपन जीता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5-पेस चैंपियनशिप जीती है? तो स्विट्जरलैंड, पोलैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने, जो कि पहली बार FIH हॉकी 5-पेस चैंपियनशिप जीती है भारत ने, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? तो पटना, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में, जो कि रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुए हैं आपके रक्सौल में, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहाँ पर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति कहाँ से शुरू हुआ है? तो ढाका, मेघालय, जसोर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि संप्रति आपके शुरू हुआ है जसोर में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जसोर। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो कि संप्रति जो सैन्य अभ्यास है एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभ्यास है संप्रति इसको कहा जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जसोर हो जाएगा, जहाँ यह अभ्यास शुरू हुआ है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।